कांग्रेस में भी करीब 6 साल लगातार राष्ट्रीय कार्यकारिणी में और प्रदेश की कार्यकारिणी में पदाधिकारी रहा। 2016 में मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी और एक ऐसे परिवार से मैं किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं हूँ। मुझे 7 पीढ़ियों में भी कोई नेता नहीं है। ज़्यादातर लोग फोर्सेज में हैं या सिविल सर्विस में हैं, कोई नेतागिरी में नहीं था। लेकिन स्टूडेंट पॉलिटिक्स में मुझे इंटरेस्ट था, मैंने उसमें काम भी किया था और उसी के चलते राजचंद्र जी ने मुझे ये अवसर दिया कि मैं काम कर सकूं। ये बहुत अच्छी बात है कि जो हमारी ये विंग है इसमें आपका बैकग्राउंड मायने नहीं रखता। आप कितना डिवेटेड हो, कितना डेडिकेटेड हो, कितना पार्टी के प्रति आप सेंसिटिव हो, इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है और यही चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखकर ही खास सभा के संगठन में आगे बढ़ाया जाता है। बात इस बात की कि जो ये इकट्ठा हम लोग हुए हैं, जरूरत किस बात की? देखिए, इस देश को बहुत पहले भगत सिंह कहा करते थे कि जब देश आज़ाद हो जाएगा तो भले यहाँ से गोरे अंग्रेज चले जाएं, लेकिन ये जो काले अंग्रेज हैं ये एक दिन सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए आपको भाई भाई के नाम पर, जात धर्म के नाम पर एक दूसरे से लड़ाने का प्रयास करेंगे।